सबला चीन के सहयोग से पुलिस ने बाधित हो गया साझा पूरे मामले से पता हटा लिया है। ऐसे में पैसा का पूरे मामले की विस्तृत रूप से जानकारी दी है। पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित की मौजूदगी में पुलिस लाइन में पुलिस अफसर में मौजूद यही वह व्यक्ति है जिसका नाम चंद्रशेखर पुत्र जसवंत सिंह निवासी ग्राम विक्रमपुर थाना भोगांव है। 14 अक्टूबर के दिन पेटीएम संचालक चंद्रशेखर द्वारा थाना भोगांव पर उपस्थित होकर सूचना दी गई थी कि वह अपने खाते से 9 लाख रुपये निकालने जा रहा था। तभी डेरा बंजारा के पास इको गाड़ी में सवार 3 लोगों ने उसे रोक कर तमंचा दिखाकर उससे 9 लाख रुपये की लूट कर ली। पुलिस अधीक्षक की ओर से घटना का खुलासा करने के लिए सर्विलांस टीम थाना पुलिस टीम को गहनता से निर्देशित किया गया था, जिसके बाद आखिरकार पुलिस ने षड्यंत्रकारी स्वयंवादी चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में उसने पूरी पटकथा बता दी। उसने अपनी बहन से उसके बच्चों की FD कराने के लिए 10 लाख रुपये लिए थे और वह रुपये उसने अपने खाते में डाल दिए थे, जिससे उसकी वैल्यू बढ़ गई थी और उसका कारोबार अच्छा चला था। लेकिन दीपावली के त्योहार पर बैंक से पैसा वापस करने की मांग कर रही थी, जिसके चलते मैं परेशान था। उसने नेट पर सर्च किया कि 10 लाख रुपए ATM में कोई दुर्घटना चोरी लूट आदि होती है तो एग्रीमेंट के अनुसार बीमा स्वरूप मिल जाएंगे। इसका अनुपालन करते हुए ही उसने झूठी योजना तैयार की और स्वयं लूट की वारदात की पटकथा पर डाली, लेकिन उसे पता था कि आखिरकार कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। पुलिस अब उसकी जांच पड़ताल कर रही है, जिसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता करते हुए पूरी घटनाक्रम का कैसे खुलासा किया गया है ये जरा आप भी सुनिए। भोगांव थाना अंतर्गत रकरी गांव का निवासी ATM संचालक चंद्रशेखर द्वारा बताया गया कि 14 तारीख को ICICI बैंक से 9 लाख रुपये निकाल के ले जा रहा था कि चौकी के पास पहुँचने पर इको जो नीले रंग की थी उससे कुछ बदमाश आए और इसके बैग से 9 लाख रुपया छीन कर भाग गए। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, किंतु प्रथम दिन से ही यह प्रतीत हो रहा था कि घटना में सच्चाई कम नज़र आ रही है और ये स्वयं में इसका कारक है। इस संबंध में 5 टीमें लगाई गई। अनवरत प्रयास करने के पश्चात आज ये चंद्रशेखर के पास से वो 9 लाख रुपया बरामद हुआ जो ये छुपा करके रखा था। संपूर्ण घटनाक्रम इसके द्वारा स्वयं किया गया था, जिससे कि ये 10 लाख रुपया जिसपे इंश्योर्ड था ये इसका हो जाता, इसलिए ये घटना कारित किया गया था। पूछताछ में अभी जारी है, कुछ और लोगों के भी शामिल होने की संभावना है। संपूर्ण तथ्यों की जानकारी की जा रही है, जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस संपूर्ण टीम को इस अच्छे गुडवर्क के लिए IG रेंज महोदय द्वारा 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है।